नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 7 महीने से भी कम वक्त बचा है। बीजेपी ने राज्य की सत्ता में बने रहने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 300 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं, सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक खबर ये भी आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये तीनों अभी भी विधान परिषद सदस्य हैं। इनका कार्यकाल सितंबर 2022 में समाप्त हो रहा है। भाजपा की कोशिश तीनों को चुनावी अखाड़े में उतार कर आसपास की विधानसभा सीटों को साधने की है। ऐसा चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या या गोरखपुर की किसी सीट से 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सराथू और डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को भी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से मैदान में उतारने की तैयारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड में किसी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बातचीत में कहा, ये मेरा सौभाग्य है, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट खुशी से खाली करने को तैयार हूँ। मैं 2017 से प्रतीक्षा में हूँ। मैंने तो 2017 में कहा था कि जब योगी जी को विधान परिषद या विधानसभा सदस्य बनाना था, अगर वो अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये हम सभी का सौभाग्य होगा। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 18 सितंबर 2017 से वह विधान परिषद सदस्य है। इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी 19 मार्च 2017 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सितंबर 2017 से विधान परिषद सदस्य हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह 2012 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सितंबर 2017 में विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश अगले साल की शुरुआत में होने वाला विधानसभा काफी दिलचस्प होने वाला है। संघ के पदाधिकारी चाहते हैं कि आगामी चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाए, हिंदुत्व इसमें तड़का लगे और पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ पर फोकस किया जाए। अयोध्या में राम मंदिर, धर्मांतरण, लव जिहाद, राष्ट्रवाद, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को उठाया जाए। साथ ही सरकार की तरफ दिशा में किए गए कार्यों को जनता के बीच लाया जाए। बीजेपी की कोशिश है कि पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। बीते हफ्ते 2 दिन तक संघ की जो बैठक हुई उसमें भी इसी बात पर चिंतन किया गया। हालांकि मीटिंग में कई और भी मुद्दे थे, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो फोकस 2022 के चुनाव पर ही था। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी, आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।